खमा गणी सा, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल शोभा भाई सास फैमिली में। और अगर चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ फटाफट जाके चैनल को सब्सक्राइब करो। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करना। और ये कल नाइट का वीडियो है जब दाल बाटी और चूरमा बनाया था हमने, क्योंकि कल चौथ थी और भाभी सा वगैरह भी घर पर आए थे, तो सभी के लिए फिर हमने दाल बाटी चूरमा ही बनाया था। और गैस पर दाल बन रही है अभी, चने की दाल बनाई है हमने, क्योंकि बाटी के साथ चने की दाल ही अच्छी लगती है। और आधी जो बाटी है वो पक गई है, तो उसको हमने घी में डाल के निकाल लिया वापस, और बाकी की बाटियाँ भी सिक रही है। हेलो माय यूट्यूब फैमिली, क्या कर रहे हो आप लोग। मैं भी बैठी हूँ सोफे के ऊपर, रात का 1 बज गया है और मैं अभी चांद का वेट कर रही हूँ। चांद अभी तक नहीं निकला है। मैं 9:30 बजे तक सो गई थी, मुझे नींद आ रही थी बहुत तेज़, क्योंकि मैं दिन में भी नहीं सोती हूँ आजकल, तो मुझे नींद आ रही थी। फिर मैंने 9:30 बजे सो गई थी। मैं पवन को भी मैंने बोला था कि जब चांद निकले मुझे कॉल कर देना, उसने बोला चलो ठीक है। और मैंने मम्मी को भी बोला था कि चांद निकल जाए तो मुझे कॉल करके उठा देना, तो उसने भी बोला ठीक है बेटा उठा दूँगी। लेकिन 11:30 बजे मेरे भाभी साहब ने कॉल किया कि भाई साहब चाँद निकल गया, जाओ चाँद देख लो। और मैं जैसे भागते हुए बालकनी में आई, उठ के नींद में से मैंने जब बालकनी में झांक के देखा, कोई चाँद नहीं था, चाँद का नामो निशान भी नहीं था दूर दूर तक। और उसके बाद अभी 1 बजे मम्मी का कॉल आया है कि चाँद निकल गया, चाँद देख ले बेटा जा। तो मैं फिर से भाग के बालकनी में आई हूँ, लेकिन अभी भी कोई चाँद नहीं निकला है। और अर्शु भी उठ गया था, फिर मैंने उसको वापस बुलाया, क्योंकि अगर वो एक बार उठ जाता ना तो फिर वो पूरी रात ही नहीं सोता, इसलिए मैंने उसको बड़ी मुश्किल से वापस चुप करा के सुलाया है। और अभी मैं सोफे पे बैठी हूँ, और मेरे हस्बैंड चांद देखने गए थे छत पे, और छत पे चारपाई देख के आराम से लम लेट हो गए, सो रहे हैं अभी। सो गए वो चांद का वेट करते करते। और पानी का कलश रख रखा है पास में, कह रहे मैं अभी चांद को रख दूंगा, तो मैंने कहा चलो ठीक है। और अभी तक सो रहे हैं आराम से, जब चांद निकलेगा तो मुझे उनको उठाना पड़ेगा। और निकलेगा कि नहीं निकलेगा इसका भी कोई कंफर्मेशन नहीं है, क्योंकि बादल हो रहे हैं आज, मौसम ख़राब है उसकी वजह से। और अभी 1 बज गया, मुझे बहुत तेज़ नींद आ रही है। मैं 10-15 मिनट और वेट करूँगी, उसके बाद जाकर सो जाऊँगी, क्योंकि मम्मी भी सो गई हैं, भाभी साहब भी सो गए हैं, अब मुझे कौन बताएगा कि चांद निकल गया। तो अभी मैं सो जाऊँगी जाकर। और ये है मेरी मेहंदी जो कि मैंने अभी लगाई थी थोड़ी देर, मतलब सोने से पहले लगाई थी, और 15 मिनट बाद मैंने वापस इसको वॉश कर लिया था। और इसका कलर इतना गहरा नहीं हुआ है अभी, शायद कल तक हो जाएगा। और ये मैंने चूड़ियाँ भी अभी नहीं उतारी है, क्योंकि कल ही उतार दूँगी मैं इनको। कपड़े वपड़े चेंज कर लिए मैंने। और अभी मेरे हस्बैंड को शायद नींद नहीं आ रही, तो चारपाई को इधर से उधर खिसका रहे हैं, मुझे आवाज़ें आ रही हैं उनकी। और आप लोगों के यहाँ चांद कितने बजे निकला था आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, ठीक है। मैं भी देखती हूँ आप लोगों ने कितना वेट किया है चांद का। और मेरी आंखों में भी नींद भरी है, मेरा काजल भी फैल गया है। चलो ठीक है यार, अभी मैं और दोबारा जाती हूँ बालकनी में, चांद देख के आती हूँ निकला है कि नहीं निकला। अगर नहीं निकलेगा तो ये मेरा बस, अब मैं वेट नहीं करूँगी ज़्यादा देर, अब मैं सो जाऊँगी जाकर। मेरे हस्बैंड है ऊपर, उनको ज़्यादा अच्छे से नींद नहीं आती है, वो बार बार उठ के देखते रहेंगे चांद निकलेगा तो उठा देंगे मुझे, नहीं निकलेगा तो फिर सुबह सूरज भगवान को अर्घ देकर मैं व्रत खोलूँगी। ओके चलो अभी मैं बाय बाय बोल दूँगी आप सबको, बाय बाय। और फाइनली चांद निकल गया है, अभी रात का 1 बज रहा है और 1 बजे चांद निकला है। ये देखिए मैं आपको दिखाती हूँ, अब हम फटाफट अर्घ देंगे, थोड़ा बहुत कुछ खाना होगा तो खाएंगे, क्योंकि भूख तो अभी बिल्कुल है नहीं, बहुत लेट हो गया इसकी वजह से। चलो बाय बाय गाइस। कहाँ जा रहे हो अर्शु? कहाँ जा रहे हो अर्शु? छत पे। कहाँ जा रहे हो बेटा? ले जा भाई ले जा, पानी भर के आएगा।
तो अभी उठ गए हैं हम लोग और मैं नहा भी ली हूँ, बच्चों को भी मैंने तैयार कर दिया है और अभी मैं भी तैयार हो जाती हूँ फटाफट से, जो अपना डेली रूटीन का मेकअप है वही मैं कर लेती हूँ। और घाघरा लुगड़ी पहनने के पीछे आज एक रीज़न है कि मेरे मामे ससुर जी आए हुए थे और उनके सामने सूट वगैरह नहीं अच्छा लगता है, इसलिए मैंने घाघरा लुगड़ी ही पहन लिया। और अभी भी मैं बॉक्स वाली बिंदी यूज़ कर रही हूँ, एक भाई साहब ने मुझे बोला था कि आप बॉक्स वाली बिंदी यूज़ मत करो, इससे ही निशान होता है, लेकिन अभी लॉकडाउन है तो मैं कहीं से बिंदी ला नहीं सकती, इसलिए मेरे पास अभी यही बिंदी अवेलेबल है तो यही लगानी पड़ेगी मुझे। जैसे ही लॉकडाउन खुलेगा मैं सबसे पहले बिंदी ही लेकर आऊँगी। तो मेरा जो मेकअप है वो हो चुका है, अभी मैं चोटी बना लेती हूँ। कल भी मैंने बाल खुले छोड़े हुए थे, इसकी वजह से थोड़े बाल उलझ गए हैं, तो आज मैं गूँथ कर ही चोटी बना लूँगी क्योंकि बाहर बाहर कहीं नहीं जाना है। कल तो व्रत था इसीलिए मुझे थोड़े एक दो वीडियोस भी बनाने थे, इसलिए मैंने बाल खुले रखे थे। तुझे नहीं देगा तो साइड हो जाओ। कौन डांटा? गो मत डांट अर्शु को, नहीं डांटेगा, लाओ बोल दो। ये परी जाओ जाओ जाओ, आपका टर्न आ गया, बोल दो भाई को। अरे वाह भाई, तो गुदी ले लिया। वहाँ पीछे जाओ पहले अर्शु, वहाँ पीछे जाओ, पीछे पीछे जाओ उधर, हाँ पीछे जाओ। अरे समझ ले कैसे? सब समझता है, क्यों पागल है क्या ये? ओ क्या है अर्शु? बता बच्चा, लाओ बॉल दो अर्शु, बॉल फेंको। ये जगन ले क्या? ये अर्शु जंप करके दिखा दो। अरे वाह, अरे वाह। हाँ मेरी साइड आई थी। बॉल दे, तू 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 उठाई नहीं रही, एक्टिव तुझे रहना ना। अर्शु क्या आ गई? इतना भयानक तूफान आया था, मैं आपको दिखाती हूँ कि हमारी छत की हालत क्या है। अरे तुम लोग नहाए धोए, नहा लिए परी, लेकिन फिर भी गंदी हो रही, वापस परी पिट जाएगी। हाँ बेटा, हाँ माने से परी परी, देखना तेरी क्लास आने वाली है और तू ये क्या कर रही है बेटा। परी तेरी क्लास आने वाली, तू पागल हो गई क्या? अर्शु पानी मेरे तरफ मत कर देना बेटा, उधर रखो पानी का। ये देखो हमारा गमला टूट गया है आंधी के कारण, और एक और वो भी वहाँ पे टूटा पड़ा है, आपको दिख रहा है ये वाला, एक ये टूट गया है और एक ये गमला टूट गया है। और ये देखो बदतमीज लोग क्या कर रहे हो तुम लोग, है मैंने तुम्हें मना किया था ना पानी को टच करने के लिए। परी चलाइए मोटर बने, और ये कौन भरेगा अभी पिजन के लिए पानी, कौन भरेगा इनमें? देखना देखना, ये लड़की नहा ली है और इसकी क्लास आने वाली है, मैं मैम को बोलूंगी, देखना। परी क्लास आने वाली है तेरी, समझ ही नहीं आ रहा तेरे को? गोलू ये स्लिप हो जाएगा, गिर जाएगा, इसको उधर उधर खड़ा कर, जहाँ पिचकारी पड़ी है ना वहाँ खड़ा कर इसको। अच्छा उधर, हाँ उधर खड़ा कर दे नीचे आराम से।
बैठे रहने दे कोई बात नहीं, साइड हो तू, पीछे खड़ा रहना इसके, गिर जाएगा वरना। कपड़े चेंज नहीं करने दूंगी, ध्यान रख लेना, चाहे गिल्ली हो चाहे गंदी हो। और एक ये गमला भी गिर गया, इतना बड़ा गमला है ये, देखिए ये भी टूट के गिर गया है। इतना जोरदार तूफान आया था, ये बहुत बड़ा गमला है, ये छोटा सा दिख रहा होगा शायद आपको, इस पे इतना बड़ा पेड़ लगा हुआ था, कल्प वृक्ष है ये, कल्प वृक्ष हमारा टूट गया है, ये कल्प वृक्ष है, ये देखिए कितना बड़ा पेड़ था इसके ऊपर और ये टूट गया, इसको दोबारा लगाएंगे किसी पेड़ में, अभी बुलाएंगे उसको माली को और वो दोबारा इसको लगाएगा दूसरे गमले में। लेकिन ये हमारा कबूतरों वाला गमला नहीं टूटा, ये दो बच्चे बैठे हैं यहाँ पे जो बहुत छोटे छोटे थे तब मैंने आपको दिखाया था, अभी देखो इतने बड़े बड़े हो गए, एक दो दिन में उड़ जाएंगे शायद, इतने बड़े हो गए। पोए बनाओ, पोए क्या खाएगा, क्या खाएगा, मेकी पी 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 छत पे गई, क्या खाएगा अरसु, अरसु क्या खाएगा, अरसु क्या बनाए है, अरसु अच्छो क्या क्या आ गई अरसु ऊपर, आनी आ गई, आनी में ऊपर नहीं जाना, और आज क्या बनाए अरसु, क्या बनना है, रोटी खा ले बेटा, मैगी कौन खाएगा, आज मैगी कौन खाएगा, मैगी नहीं, अंकल को फोन करो, अंकल को फोन करो, फोन करो अंकल को, मैगी लाओ दुकान से, दुकान से। गुड मॉर्निंग मैम, किसने तो आज के लिए इतना ही, कल फिर हाजिर होंगे आपके सामने एक न्यू व्लॉग के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, गुड नाइट एंड टेक केयर, और घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, बिना वजह घर से बाहर मत निकलना, हमने भी बिल्कुल बंद कर दिया है घर से बाहर निकलना, तो आप भी घर में रहिए, सुरक्षित रहिए।